अगर आप अमेठी जिले में सड़क के किनारे टॉयलेट करने की सोच रहे हैं तो रुक जाइए, वरना टॉयलेट करते वक्त आपकी वीडियो बन जाएगी। पिटने और जेल जाने के लिए भी तैयार रहिएगा। भरोसा नहीं हो रहा है तो सुनिए डीएम अमेठी डॉक्टर राम मनोहर मिश्रा का फरमान। एसओ साहब, आपका कौन सा थाना लगता है? कमरौली। आगे आइए। एक हफ्ते के बाद आज है 18 तारीख, 25 तारीख से अगर कोई आदमी सड़क पर टॉयलेट करता हुआ पाया जाए, उसकी वीडियोग्राफी कराइए, फोटो करिए, खींचिए, उसके अखबार में डालेंगे। अगर ये लोग अपनी इज्जत नहीं अपने संभालेंगे तो हम उनकी फोटो अखबार में डालेंगे, ताकि पूरा देश देखे कि ये लोग सड़कों पर टॉयलेट कर रहे हैं, ठीक है। उसके बाद उनके खिलाफ वीडियोग्राफी करा करके उनको जेल भेजिए, और हमारी तरफ से पूरी छूट है, अगर खुराफात करें तो लाठियों से पीट करके जेल भेजिए, ठीक है ना। एक हफ्ता इसलिए कह रहा हूँ कि हमारा लेखपाल एक हफ्ते के भीतर इनको चिन्हित करके बता देगा, और दो चार दिन में ये लोग अपनी आदत बना लेंगे और उसके हिसाब से जाएंगे, ठीक है। सुना आपने डीएम अमेठी क्या फरमान सुना रहे हैं? दरअसल डीएम अमेठी डॉक्टर राम मनोहर मिश्रा ने कमरौली थाना इलाके के कठौरा गांव में चौपाल लगाई थी। केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी के संसदीय क्षेत्र अमेठी को साफ सुथरा बनाने के लिए डीएम ने जो फरमान सुनाया, उसे सुनकर बड़े बड़ों की हवा खिसक गई। सबसे ज्यादा हालत तो पुलिस वालों की बिगड़ी। पुलिस वाले कानाफूसी कर रहे हैं कि हमारे जिम्मे भी कैसा कैसा काम लगा दिया जाता है। आपको बता दें कि हाल ही में मऊ जिले के डीएम ज्ञान प्रकाश त्रिपाठी ने नदी के किनारे शौच करने वालों को लिया था और कान पकड़वा कर उठक बैठक भी करवाई थी। फिलहाल उत्तर प्रदेश में प्रधानमंत्री मोदी के स्वच्छता अभियान को लेकर जिलाधिकारियों में दिख रहा जोश काबिले तारीफ है, लेकिन साहब लोगों को शौचालयों के निर्माण और पानी की व्यवस्था पर भी ध्यान देना चाहिए। ब्यूरो रिपोर्ट, एनडीटीवी भारत। देश दुनिया की ताजा तरीन खबरों से रूबरू होने के लिए सब्सक्राइब कीजिए आपका अपना चैनल एनडीटीवी भारत।